आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सोयाबीन खल के निर्यात में गिरावट को देखते हुए सोयाबीन प्रोसेसरों का कहना है कि अगर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलती है और सोया उत्पादों के मूल्य वर्धन को बढ़ाया दिया जाता है तो घरेलू सोयाबीन खल के निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिद्वंदियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमतों के कारण इस नई तेल वर्ष में सोयाबीन खल के निर्यात में भारी गिरावट आई है। सोपा द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक नए तेल वर्ष में सोयाबीन मील का निर्यात 3.81 लाख टन रहा, जो कि एक साल पहले की इसी समान अवधि में 6.89 लाख टन था। सोपा का कहना है कि सरकार को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोया उत्पादों के निर्यात के लिए निर्यातकों को प्रतिस्पर्धा में मदद करने के लिए सब्सिडाइज्ड इनलैंड फ्रेट या परिवहन सब्सिडी की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए। सोपा के अध्यक्ष ने कहा है कि हमने सोयाबीन के आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पहलुओं का संज्ञान लेने के लिए नीति निर्माताओं को प्रस्तुत करने के लिए एक दस्तावेज तैयार किया है। उनका कहना है कि सोया प्रोसेसर बढ़ी हुई लागत और कीमतों को कम बनाए रखने के लिए और सरकार के प्रयासों के चलते दबाव में आए हैं। अपनी सिफारिश में सोपा ने सुझाव दिया है कि सोयाबीन तेल या सोयाबीन खल के आयात को केवल वास्तविक उपयोगकर्ताओं तक ही सीमित रखा जाना चाहिए ताकि अनुचित सट्टाबाजी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके। खाद्य तेल का उच्च टैरिफ पर आयात किया जाना चाहिए ताकि मांग और आपूर्ति को दोनों को ही संतुलित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।